गुड। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सब लोगों को स्वागत है मेरी ना एवरीडे स्पेशल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड चॉप। ब्रेड चॉप बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। हमने यहाँ ले लिया है फ्राई पैन, उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल में मैंने डाल दिया 2 अंडा। अंडे को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया ताकि उसमें कोई नम्स ना आ जाए। अब मैंने डाल दिया अंडे को ऑयल में। फिर मैं इसमें डाल दूंगी कैबेज, बारीक कटा हुआ मैंने कैबेज डाल दिया। बॉईल किया हुआ एक आलू मैंने लिया, उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया। फिर उसे भी मैंने डाल दिया। दो तेज पत्ता, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और साथ में मैंने डाल दिया सूखा लाल मिर्च। सूखा लाल मिर्च डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। यह मैंने ब्रेड चॉप का स्टफिंग के लिए बनाया है। यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड का जो साइड है मैंने उसे काट लिया है, नहीं तो चॉप बनाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए अच्छी तरह से नहीं बनता डू। तो ब्रेड को मैंने पानी में भिगो लिया था और उसका पानी जो है मैंने उसे सोक कर लिया। और फिर मैंने इसमें डाल दिया स्टफिंग का सामान, ऐसे अच्छी तरह से मुँह ऐसे बंद कर लिया। फिर मैं इस पर लगा लूँगी क्रश किया हुआ बिस्कुट। लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से कुरकुरापन आता है और ब्रेड का जो सॉप है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ 2 तरह का शेप दिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है। तो मेरा आलू चॉप रेडी हो, ब्रेड चॉप रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बना है मेरा चॉप। आप भी इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए।